बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेडिकल ग्लोब ई लर्निंग। आई एम मायरा अहमद फ्रॉम साहिवाल मेडिकल कॉलेज। आई विल डिस्कस स्पेशल पैथोलॉजी गाइडलाइंस फ्रॉम मीडियम रॉबिन्स एडिशन 9। स्पेशल पैथोलॉजी में जो आपका मेन फोकस है वो तीन चीज़ों पर होना चाहिए। किसी भी डिजीज़ की पैथोजेनेसिस का आपको पता हो, उसके मॉर्फोलॉजी का आपको पता हो और उसके क्लिनिकल फीचर्स। मैं आपके साथ टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज गाइडलाइंस शेयर करूंगी, आपके साथ डिस्कस करूंगी और आपको मार्क करवाऊंगी कौन से टॉपिक आपने जस्ट रीड करने हैं, कौन से टॉपिक आपने एमसीक्यूज के लिए तैयार करने हैं और कौन से टॉपिक जो है एसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मेडिकल ग्लोब की बुक्स एमबीबीएस क्रैक्स, जो कि एमसीक्यूज और एसीक्यूज के लिए दो अलग बुक्स हैं, उनको भी स्टडी करें, साथ में गाइडलाइंस को फॉलो करें ताकि आपके जितने भी एमसीक्यूज और एसीक्यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सके। चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 20, बोन्स ज्वाइंट्स एंड सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स। इस चैप्टर में से एक एसीक्यू और 5 एमसीक्यूज आने हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को आपने 1 एसीक्यू एंड 5 एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना है। सबसे पहला पेज जो है इसको आपने जस्ट रीड करना है एमसीक्यूज के लिए। अच्छा, मैं आपको सामने बताते जाऊँ, जो मैंने हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स वो इंपॉर्टेंट है, वो आपने साथ साथ जरूर देखने हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो है अब बोन्स, ठीक है, बोन से स्टार्ट हो रहा है तो आपने इसको जस्ट रीड करना है, ठीक है। ये डायग्राम आपने ओएसपी के लिए प्रिपेयर करनी है। इस तरह से जो है वो एक स्लाइड आती है, आइडेंटिफाई दिस स्लाइड, इसकी दो फाइंडिंग्स बताएंगे, इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बताएं, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका एससीक्यू जो ओएसपी क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरह आपने साथ साथ डायग्राम्स भी देखते जानी ताकि आपकी जो ओएसपी है वो भी साथ साथ कवर होती जाए, ठीक है। इस पेज को आपने जस्ट रीड करना है एमसीक्यूज के लिए। कंजेंटल डिसऑर्डर्स ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है, इसको भी आपने बस रीड करना है, ठीक है। इसमें जो है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ये इम्पोर्टेंट एसीक्यू है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रिटल बोन डिजीज भी कहते हैं, एमसीक्यू है आपका। कौन सी कोलेजन जो उसकी टाइप जो होती है उसका डिसऑर्डर है, तो वो टाइप 1 कोलेजन जो होती है उसकी डिफेक्टिव सिंथेसिस हुई होती है, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट एसीक्यू है, ठीक है। ये मैंने सारे साथ में हाईलाइटेड किया हुआ पॉइंट्स, ठीक है, जो इसके इम्पोर्टेंट है। तो आपने ये अच्छे से आप एसीक्यू जो है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा आपने अच्छे से एसीक्यू जो है वो प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आता है एकोंड्रोप्लेजिया एंड थैनेटोफोरिक न्यूड्वार्फिज्म है, ठीक है, इसको आपने जस्ट जो है वो रीड करना है। ऑस्टियोपेट्रोसिस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप पैथोमा से भी कर सकते हैं, इसको जो है वो मार्बल डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। ये वाइवा में मुझसे पूछा गया था, तो इसको आपने जो है वो पैथोमा से भी कर लेना है। ऑस्टियोपोरोसिस वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू, ठीक है, वो आप यहीं से करें, ठीक है। इसकी प्राइमरी फॉर्म, सेकेंडरी फॉर्म, ठीक है, इसकी जो है मॉर्फोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, तो आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना। ये साथ में टेबल दिया हुआ है, ठीक है, समरी है, इसको आपने ज़रूर रीड करना है ताकि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो, ठीक है। ये देखें जो कैटेगरीज है जनरलाइज्ड ऑस्टियोपोरोसिस की, ठीक है, ये जो टेबल बना हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, तो ये आपने जो है वो अच्छे से कर लेना है ये टेबल, ठीक है। बाकी ये जो डायग्राम बनी हुई है ये आपने ओएसपी के लिए तैयार करनी है। पैथोजेनेसिस को आपने जस्ट रीड कर लेना, ठीक है, ये आप ये फ्लो चार्ट भी देख सकती हैं, ठीक है, समझने के लिए। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पोस्ट मेनोपॉज़ एंड सीनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप तैयार कर लें ताकि आपको सब पता चल जाए कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है इसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये आपके ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसका एक एससीक्यू कवर हो गया, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट, इसके क्लिनिकल फीचर्स भी आपने देखने ताकि आप डायग्नोज कर सकें इजीली इसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक है पेजर डिजीज़, ठीक है। पेजर डिजीज़ जो है जिसे कहते हैं ऑस्टाइटिस डिफॉर्मेंस, वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू, ठीक है। इसके जितने भी फेज हैं ऑस्टियोलिटिक मिक्सड फेज, ठीक है, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है, ये आपका इंपॉर्टेंट यूक्यू है, ठीक है। लिटिक फेज क्या होती है, मिक्सड फेज क्या है, इसमें मुझे एक पैटर्न आपको मिलता है, ठीक है, जिग्सा पजल लाइक, तो ये आपका एमसीक्यू भी है, तो इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। आपका इंपॉर्टेंट यूक्यू है पेजर डिजीज, ठीक है। ये डायग्राम ओएसपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी दफा ये आई थी तो इसलिए आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है, समझ लेना है। और पैथोजन से जो है उसकी जस्ट आपने रीड कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, इसको आप पैथोमा से कर लें, हाइपरपैराथायरॉइडिज्म करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपने एंडो में कर लिया होगा, ठीक है, तो इसको आप स्किप कर दें बेशक।
अब नेक्स्ट आता है एसिक्यूज ऑफ फ्रैक्चर्स, ठीक है, ये इस एडिशन जो न्यू एडिशन उसमें नहीं है, ठीक है, जो ऑल्ड एडिशन उसमें है। तो जो आपने ये आपने फ्रैक्चर करने हैं आपको पता होना चाहिए इनकी क्लासिफिकेशन कौन कौन से कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, इनकी पैथोलॉजी क्या है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने हाईलाइट किए, तो बेशक आप वही कर लें तो मोर देन इनफ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, ठीक है। इसमें से जो है वाइवा क्वेश्चन में पूछते हैं, ठीक है, पायरोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में कौन से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, आपका इंपॉर्टेंट यूक्यू भी है और साथ में इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं, ठीक है। तो आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। ये स्क्विस्ट्रम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनवोल्करम क्या होता है ये आपके वाइवा क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ये देखिए सारे इसके क्लिनिकल फीचर जो वो सारे हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं वो भी आपने अच्छे से देख लेने हैं ताकि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो। ट्यूबरस ऑस्टियोमाइलाइटिस इंपॉर्टेंट यूक्यू है, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से करना। ये जो डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ओएसपी डायग्राम है, ठीक है, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से कर लेना है। बोन ट्यूमर्स को आपने जस्ट ये जो है ये इसको रीड करना है, ठीक है। बोन ट्यूमर्स का ये जो है इसको आपने जो प्राइमरी होते हैं ये आपने जस्ट रीड करना है। जो ये टेबल बना हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से इसके टाइप्स हैं, बोन फॉर्मिंग, कार्टिलेजिनस, ठीक है, मिसलेनियस, मेलिग्नेंट, ठीक है, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कॉमन लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, किस एज में होता है, ठीक है। तो ये आपने बड़े अच्छे तरीके से ये जो हाईलाइट किया हुआ एक टेबल जो है बताया हुआ कि आपने इतनी चीज जो है इतना पोर्शन करना है, तो ये आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है। इसकी क्लासिफिकेशन बहुत दफा आ चुकी है, ठीक है, और इसके अलावा वाइवा में बहुत पूछते हैं, तो इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। बोन वाला जो चैप्टर है इसमें से जो इम्पोर्टेंट वो है ही ट्यूमर्स, ठीक है, बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स, ठीक है, ऑस्टियोमा, ऑस्टियोसारकोमा, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, ऑस्टियोब्लास्टोमा, इसको एमसीक्यूज के लिए करना। बाकी ऑस्टियोमा, ऑस्टियोसारकोमा, इसकी मॉर्फोलॉजी, इसकी पैथोजेनेसिस, ठीक है, इसको आपने जो है वो बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना, ये बड़े इंपॉर्टेंट आपके यूक्यूज हैं। कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर्स जो है ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, ये आपका एससीक्यू है, कौन से जीन्स की म्यूटेशन होती है, ठीक है, ये आपने करना है। इसकी मॉर्फोलॉजी आपने करनी है, ठीक है, कॉन्ड्रोमा को आपने एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है, ठीक है, ये हाइलाइटेड पॉइंट इसके बताए हुए हैं, ठीक है। मोफोसिस सिंड्रोम क्या होता है, मल्टीपल कॉन्ड्रोमा क्या है, कॉन्ड्रोसारकोमा जो है मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू ट्यूमर है, ये आपने करना है। इसकी मॉर्फोलॉजी आपने करनी है, क्लिनिकल फीचर्स आपने पढ़ते रहने हैं ताकि आपको डायग्नोज करना आसान हो। फाइब्रस डिस्प्लेसिस अनइम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। फाइब्रस एंड फाइब्रोशियस ट्यूमर जो है, ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट है, इसको आप स्किप कर दें बेशक। जो मिसलेनियस बोन ट्यूमर है जिसमें इविंग सार्कोमा एंड प्रिमिटिव न्यूरोएक्टोडर्मल ट्यूमर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, ठीक है। इसके जो है कौन सी जीन्स होती है, इसकी म्यूटेशन होती है, किस एज में होता है, ठीक है, ये हाईलाइटेड पॉइंट है, ये कहाँ पे इसकी म्यूटेशन हो रही है, बड़े अच्छे तरीके से आपने करना है। इसके मॉर्फोलॉजी जो है वो इंपॉर्टेंट यूक्यू है, ठीक है। इसमें जो है आपको होमोराइड रोजेट्स जो है वो ट्यूमर सेल्स मिलते हैं, ठीक है, तो ये आपका एमसीक्यू है, तो इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसकी ये सारी डायग्राम्स आपने ओएसपी के लिए देखनी है, ठीक है, ये इविंग सार्कोमा की है, ये जो है लास्ट से लास्ट ईयर और हमारे जो सीनियर बैच था उनकी ओएसपी जो था ओएसपी क्वेश्चन था उसने ये इविंग सार्कोमा, ठीक है, तो ये आपने बड़े अच्छे तरीके से देखते जाना है ओएसपी डायग्राम्स ताकि आपकी ओएसपी भी साथ साथ कवर होती जाए। जॉइंट सेल ट्यूमर ऑफ द बोन्स वेरी इंपॉर्टेंट एसिक्यू, ठीक है, इसकी मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने बड़े अच्छे तरीके से कर लेनी है। मेटास्टेटिक जो है डिजीज यानी इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, स्किप कर दें। ये जो समरी है बोन ट्यूमर्स की ये आपने जरूर करनी है। ज्वाइंट्स, ठीक है, ज्वाइंट्स जो है ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका फिर टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिजनरेटिव ज्वाइंट डिजीज, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है। इसकी मॉर्फोलॉजी, बोन इबर्नेशन क्या होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है। ये डायग्राम्स आपने ओएसपी के लिए तैयार करनी है, ठीक है, इसकी पैथोजेनेसिस को आपने जो है वो जस्ट रीड करना है, ठीक है। आपको इसमें हर्बर्ड एंड नोड्स मिलते हैं फिंगर्स में, ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं प्रोमिनेंट ऑस्टियोफाइट्स एट द डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, ठीक है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक है, ये आपने देख लेना पॉइंट, ठीक है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो ये आपने समझने के लिए डायग्राम देख लेनी है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू, ठीक है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस तो आपको फाइनल ईयर में भी नहीं जान छोड़ेगा, ठीक है, तो जो रूमाटोलॉजी है आपने वहाँ भी स्टडी करनी है, तो बेहतर है ना आप यहाँ पे अच्छे से कॉन्सेप्ट बना लें इसका।
इसके पैथोजेंसिस के लिए आप ये फ्लो चार्ट कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ठीक है बहुत दफा आ चुके हैं, तो इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इसके पैथोजेनेसिस को रीड कर ले और देन जो है ये फ्लो चार्ट ही बना दें तो आपका क्वेश्चन कवर है। पैथोलॉजी इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेनिस फॉर्मेशन, पेनिस क्या होता है, तो ये सारे हाइलाइटेड पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने इसके पैथोजेनेसिस में कर लेने हैं। देन आता है जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये अनइंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप कर दें, ठीक है। सीरो नेगेटिव जो है स्पोंडाइलो आर्थ्रोपैथीज, ठीक है, अनइंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। गाउट, गाउट इंपॉर्टेंट क्योंकि है, इसको नहीं आपने स्किप करना है, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। टुफाए क्या होते हैं, प्राइमरी गाउट और सेकेंडरी गाउट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसके क्या कॉजेज है, इसकी पैथोलॉजी क्या है, बड़े अच्छे तरीके से आपने करनी है। ये देखें क्लासिफिकेशन ऑफ गाउट का ये टेबल बना हुआ है, ये आपने अच्छे से कर लेना है। प्राइमरी गाउट जो है उसमें एंजाइमेटिक डिफेक्ट होते हैं, सेकेंडरी गाउट जो है उसमें कौन कौन सी कंडीशंस है और कौन कौन से मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स हैं, तो ये आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपने सारी, ठीक है, गाउट नेफ्रोपैथी क्या है, ठीक है, टोफाई क्या होते हैं, तो ये मैं जो इंपॉर्टेंट हाइलाइटेड पॉइंट्स है ये बड़े अच्छे तरीके से आपने देख लेने हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स इसके आपने देखने हैं, इसकी फोर स्टेजेस कौन सी हैं, ठीक है ये, और ये देखिए ये जो डायग्राम बनी हुई है किस तरह से जो है पैथोजेनेसिस जो है वो, मतलब कह लेंगे गाउट किस तरह से डिवेलप हो रही है, ये इसकी इंपॉर्टेंट पैथोजेनेसिस है। तो ये फ्लो चार्ट डायग्राम जो है इसमें हाइपर यूरिसीमिया इसको एक कॉजिटिव एजेंट है, ठीक है, कॉज है, तो आपने जो है ये बड़े अच्छे तरीके से डायग्राम देख लेनी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए और याद करने में आसानी हो। सूडो गाउट आपका इंपॉर्टेंट एससीक्यू, इसके अलावा इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं कि इसमें जो है वो कैल्शियम पाइरोफॉस्फेट क्रिस्टल डेपोजिशन हो जाती है, ठीक है। लाइम आर्थराइटिस इसको आपने जस्ट जो है ये हमसे वाइवा में पूछा गया था, ठीक है, कौन कौन सी जो है वो आर्थराइटिस होती है, तो एक लाइम आर्थराइटिस, इसका पॉजिटिव एजेंट जो है स्पायरोकीट होता है, ठीक है, बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी जो है ये, तो इसको आपने एक नाम याद रख लेना। बाकी इन्फेक्शियस आर्थराइटिस करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप स्किप कर दें। गैंग्लियन साइनोवियल सिस्ट ये सारा आगे आप छोड़ सकती हैं, ठीक है, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स जो है इसमें से आपने ये जो टेबल बना हुआ है सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स का, ये इंपॉर्टेंट है इसकी क्लासिफिकेशन के कौन कौन से ट्यूमर्स हैं, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू एंड ट्यूमर्स ऑफ एडिपोज टिश्यू जिसमें लाइपोमा लाइपोसारकोमा, इनको आपने जस्ट एमसीक्यूज के लिए रीड करना है, बेशक आप हाईलाइटेड पॉइंट्स कर लें, ठीक है, आपके एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। ये डायग्राम जो है मिक्सॉइड लाइपोसारकोमा की आपने ओएसपी के लिए तैयार करनी है, ओएसपी में ज़रूर आती है, बाकी आप स्किप कर दें, ठीक है। यहाँ से देखें स्केलेटल मसल ट्यूमर जिसमें रेप्टोमायोसारकोमा, ये इंपॉर्टेंट एसिक्यू है, ठीक है, और ये डायग्राम ओएसपी के लिए आपने तैयार करनी है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट एसिक्यू है। इसकी मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है, लियोमायोसारकोमा इंपॉर्टेंट एसिक्यू है, ठीक है, तो ये आपने जो है साइनोवियल सारकोमा जस्ट आपने एमसीक्यूज के लिए इसको रीड कर लेना। तो स्मूथ मसल ट्यूमर लियोमायोमा लियोमायोसारकोमा इसको आपने जो है वो यहाँ से हाइलाइटेड पॉइंट्स को रीड कर लेना। यहाँ पर हमारा बोन्स वाला चैप्टर तो कवर हो गया है, लेकिन हम इसके साथ जो है एक और चैप्टर है पेरिफेरल नर्व्स एंड मसल्स, इसके भी गाइडलाइंस जो मैं फटाफट आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ठीक है। चैप्टर 21 है, इसमें आपने पता क्या करना है, ये सब कुछ आपने स्किप कर देना, जो मैं आपको बताऊंगी आपने वही करना है। डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद पेरिफेरल नर्व इंजरी जिसमें जीबी सिंड्रोम है, ठीक है, ये गिलियन बर्ड जो है बेरी सिंड्रोम है, ठीक है, ये है, तो ये आपने जो है जीबी सिंड्रोम बड़े अच्छे से करना है, आपका इंपॉर्टेंट एससीक्यू भी है ये, ठीक है, एक तो एससीक्यू भी आपका, इसके अलावा वाइवा में भी पूछते हैं, तो इसको आपने करना है, इसके जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो आपने कर लेने हैं, ठीक हो गया। कौन से जो है वो एसोसिएटेड इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, ये आपने कर लेना है। क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पोली जो है वो न्यूरोपैथिस को जस्ट आपने रीड कर लेना है, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपने बस एक दफा देख लेने हैं। इसके बाद आता है देखें डिसऑर्डर्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जिसमें मायस्थीनिया ग्रेविस है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एसिक्यू भी है, इसके साथ साथ जो है ये वाइवा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझसे एग्जामिनर ने पूछा था लास्ट ईयर, ठीक है, कि जो मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, क्लिनिकली आपको क्या मिलता है, टोसिस मिलती है, डिप्लोपिया मिलता है, ठीक है, तो ये आपने कर लेना। इसकी मॉर्फोलॉजी आप जो है वो बिग रॉबिन से देख सकते हैं, मायस्थीनिया ग्रेविस जो होती है उसकी। लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम जस्ट एमसीक्यूज के लिए आपने इसको रीड करना है, ठीक है।
बाकी करने की जरूरत नहीं है। जो आपके आते हैं डिस्ट्रोफिनोपैथीज, ठीक है, डिस्ट्रोफिनोपैथीज, जिसमें एक तो जशीन आती है और एक बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इसको आपने एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है, ठीक है। ये मॉर्फोलॉजी जो है आपने एमसीक्यूज के लिए जो है वो रीड कर लेना, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए जरूर करना है। इसमें जो डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन है वो कहाँ पर लोकेशन होती है, ठीक है, और कहाँ पर इस इन डिजीज में म्यूटेशन आती है, तो ये आपने करना है, ठीक है। ये देखें, ये सारा हाईलाइटेड पॉइंट्स है, तो ये आपने अच्छे से कर लेना कि जो इसके क्लिनिकल फीचर्स में आपको क्या मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये एक क्वेश्चन जो है एमसीक्यू रिलेटेड या एससीक्यू रिलेटेड कवर हो जाएगा। अदर एक्स लिंक्ड है ऑटोसोमल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी क्या होती है, ये आपने जो है वो बस रीड कर लेना है, ठीक है, ठीक है। और जो इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज है, इसको आप बेशक पैथोमा से कर ले, एक पेज का चैप्टर है, तो आप पैथोमा से भी कर सकते हैं। बाकी जो पेरिफेरल नर्व शीथ और ये सब कुछ, इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका पेरिफेरल नर्व एंड मसल्स का भी हो गया, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मायस्थीनिया ग्रेविस है, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम जो है वो जस्ट आपने रीड कर लेना है एमसीक्यूज के लिए, और जो डिशिन एंड डिस्ट्रोफिन बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज है वो इम्पोर्टेंट है, उसको आपने एमसीक्यूज के लिए भी तैयार करना है, और जो है वो एज एससीक्यू अगर आ जाए तो वो तब भी आप लिख सको। यहाँ पर हमारी बोन्स एंड मसल्स के जो गाइडलाइंस है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है, ओके, थैंक यू। मेडिकल ग्लोब पब्लिकेशंस आपकी खिदमत में पेश करता है प्रोफेशनल एग्जाम से रिलेटेड आपकी तमाम परेशानियों का हल। जी हाँ, MBBS क्रैक्स, इसमें मौजूद है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मार्किंग्स, इसके अलावा इसमें शामिल है यूनिवर्सिटी के तमाम क्वेश्चंस जो कि सॉल्व करके दिए गए हैं, इसके अलावा हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पर्ल्स मौजूद हैं, साथ ही साथ ENT के रिव्यू समरीज भी मौजूद हैं, इसके अलावा पास्ट UHS की कीज भी शामिल हैं इसके अंदर, इसके साथ ही साथ इसमें हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट OSPI की पिक्चर्स ऐड की गई हैं। इसके साथ साथ मेडिकल ग्लोब मुतारिफ करवाता है MCQs क्रैक्स। MCQs क्रैक्स में आपके MCQs से रिलेटेड जितने भी मसले हैं उनका हल मौजूद है। UHS के अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज के MCQs इसमें शामिल किए गए हैं, तो देर किस बात की है, इस मौके से फायदा उठाएं, घर बैठे बैठे अभी इस बुक को ऑर्डर करें हमारे दिए गए नंबर पर, जो नंबर है 0335 6633007। थैंक यू।